पंजाब का खजाना पूरी तरह से खाली है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे पंजाब को भगवंत मान की सरकार और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से चूसने में लगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के उड़न खटोले का मुफ्त में मजा लूट रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए एयरक्राफ्ट का बिल पंजाब के खजाने से चुकवा रहे हैं। यह सब करने के लिए केजरीवाल हिमाचल प्रदेश जाएं या फिर गुजरात, वे अपने साथ भगवंत मान को लेकर जाते हैं ताकि सारा खर्च पंजाब को चुकाना पड़े और केजरीवाल मुफ्त का मजा लूट सके। हिमाचल में जाकर किए गए भगवंत मान के चुनाव प्रचार को सरकारी यात्रा बताकर सीधे सीधे सरकारी खजाने में सेंधमारी की गई। अब आम आदमी पार्टी की यह युगल जोड़ी गुजरात में चुनाव प्रचार करके लौटी है। 3 दिनों के लिए इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट का बिल अब पंजाब के नागरिक उड्डयन विभाग को 44.86 लाख रुपए का बिल चुकाना है। भगवंत मान और केजरीवाल 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की वर्चुअल शुरुआत की थी। 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान भगवंत मान और केजरीवाल साबरमती आश्रम समेत कई प्रमुख स्थानों पर गए और उन्होंने अहमदाबाद में एक रोड शो का आयोजन करते हुए जनता को संबोधित किया था। बठिंडा निवासी हरमिलाप सिंह ग्रेवाल की ओर से RTI के तहत भगवंत मान के गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे के खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। नागरिक उड्डयन विभाग ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात के दौरे के लिए किराए पर लिए गए एयरक्राफ्ट का 44,85,967 रुपये का बिल विभाग को प्राप्त हुआ है। हालांकि विभाग द्वारा जवाब में यह भी कहा गया कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री की हिमाचल प्रदेश की यात्रा सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए की गई, जिसे सरकारी यात्रा में दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।